और सिस्टर एपी सिंह ने एक वीडियो में बोला कि सीमा के बच्चे हैं, सीमा के पास रहेंगे, हैदर का उनका बच्चों पर हक नहीं है, तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? तो जिस चैनल पे उन्होंने ये बोला था, उस चैनल के होस्ट ने ये पूछना था कि ये बच्चे क्या आपने डाउनलोड करवाए? अगर हैदर भाई का कुछ नहीं लग रहा है तो क्या वो एपी सिंह जी ने लाए हैं या एपी सिंह जी ने पैदा करवाए हैं? तो एपी सिंह जी कौन होते हैं? क्या एपी सिंह जी देख के आए थे वहां पे? अगर एपी सिंह जी उनको पहले से जानते हैं तो एपी सिंह जी ने पहले क्यों नहीं उनको यहाँ बुलाया? इतने सालों तक क्या वेट करते रहे लोग कि इस टाइम पे ये पबजी, मतलब ये सारे मेरे को मसला समझ में नहीं आया पबजी का। क्या पबजी के थ्रू कोई महिला अपने हस्बैंड को छोड़ के और इस तरह आ सकती है? तो बहुत कमाल की बात है, सलाम है उस महिला को। देखिए सिस्टर, इस हम तो यही समझते हैं कि एपी सिंह शायद सीमा को पहले से जानती थी, और ये सब जो अभी इन लोगों ने जो ड्रामा रचाया हुआ है, तो जाहिर बात है वो इस सिर्फ एक लप्पू का काम नहीं है सचिन का, इसमें एपी सिंह भी हो सकते हैं, मुलव्वस हो सकते हैं बिल्कुल। जहां तक हम लोगों का सोचने का वो है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सचिन मुझे नहीं लगता है कि एक फुट दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बंदा और 24 घंटे पबजी खेले, है ना? देखो पबजी खेलने के लिए जब हमारे भी बच्चे खेलते रहते हैं तो हम भी उनको 10 बार टोकते हैं कि आपका पढ़ाई का टाइम हो गया, ये हो गया, हो गया जो भी है व्हाटएवर। तो हम जब उनको बोलते हैं कि भाई आप मोबाइल छोड़ दो, तो पबजी में हमने सुना है कि उसमें तो पता नहीं कितने सारे लोग खेलते हैं, कितना क्या खेलते हैं। तो आपको ये लगता है कि वाकई में ये जो लप्पू है ये पबजी से इनका प्यार हुआ है? डेफिनेटली एपी सिंह जी बहुत पहले से जानते हैं, और मुझे नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि कहीं एपी सिंह जी ही तो नहीं खेलते थे लप्पू के बिहाफ पे। तो उनसे ये क्वेश्चन बनता है कि कहीं आप तो नहीं खेलते थे एपी सिंह जी, बनता है क्वेश्चन। और सिस्टर हमारी, हम तो अपने हर वीडियो में यही कहते हैं कि सीमा को वहां से डिपोर्ट करें इंडिया से, ताकि आने वाले वक्तों में कोई भी खवातीन पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, कोई भी ऐसी कदम ना उठाए, हम बस यही चाहते हैं। और आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, जांच चल रही है, और जैसे कि मैंने आपकी एक वीडियो में देखा भी था, आप बहुत रोष में थे, जाहिर सी बात है रोष में होना भी चाहिए, और जब आपको एक किसी काम में आगे बढ़ना होता है तो रोष होना चाहिए। मैंने आपकी वीडियो में देखा आपने बहुत रोष दिखाया है, तो गवर्नमेंट को रोष ना दिखाते हुए मैं अभी आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी तरह जांच हो रही है, और वो योगी जी के क्षेत्र में है, तो आपको पता है योगी जी के क्षेत्र में बुलडोजर चल रहे हैं, और उनके क्षेत्र से तो कोई बच के निकल नहीं सकता है। तो काम जैसा सरकारी काम होता है, आहिस्ता हो रहा है, और सबको पकड़ेंगे, जितने इनकी चेन बनी हुई है, जितने लोग ये मिले हुए हैं सबको पकड़ेंगे, सब आपके सामने आएगा। सीमा हैदर का क्या करना है वो फिर बाकी बात है, हम तो ये चाहते हैं कि वो आपकी संपत्ति है, आपको सौंप दे, आप अपने हिसाब से जो सजा दें, बट देखते हैं कि कानून क्या कहता है। और नागरिकता तो खैर नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं मिलती है नागरिकता जी। और सिस्टर देखें ना, अब नागरिकता हासिल करने के लिए सीमा कितनी गिर चुकी है कि उन्होंने एपी सिंह को भाई बना दिया राखी बांधकर, और इंडिया के दो एक और पर्सनालिटी को भी उन्होंने राखी भेजी है भाई बनाने के लिए। शायद आपको पता नहीं है, जो उन्होंने वीवीआईपी को जो राखी भेजी थी वो वापस आ गई है, तो उनके पास वापस आ गई है। हाँ, तो ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, और कभी एपी सिंह जी नहीं है कि जो भद्रकाल में राखी बनवा दे और उसके बाद अपनी ही बहन को, उसके बाद अपनी बहन को घी का वो देके और कभी रोटी में डाल के खाए, कभी सब्जी में डाल के खाए, अपनी बहन को एक उदाहरण बना के कोई भी भाई नहीं कहता है। तो ऐसे भाई पे तो लानत है जो भाई अपनी बहन को इस तरह लोगों के सामने इस तरह वो करे कि घी की, ये घी है, ये मक्खन है, इसको दाल में डालो तो ये दाल में मिल जाती है, इसको रोटी से लगाओ तो रोटी में मिल जाती है, मतलब निहायत ही चीजों की वो बातें हैं। और सिस्टर एक अहम सवाल, जैसे कि अगर एपी सिंह का हम माजी खंगालें तो एपी सिंह ने निर्भया केस में भी इसी तरह दोषियों का साथ दिया था, और अभी भी जो है सीमा हैदर केस में भी जो है सीमा को साथ दे रहे, झूठ का साथ दे रहे, तो ये एपी सिंह ऐसा क्यों करता है? पब्लिसिटी स्टंट, वो पब्लिसिटी स्टंट है, जहाँ पे पब्लिसिटी मिलती है ना सो कॉल्ड, जहाँ से इनको लगे कि भाई यहाँ पे अभी तो मैं सच बात बताऊं, जब मैंने वो बोल रही थी मैंने किसान आंदोलन में भी, वो तभी आते हैं बाहर जब बहुत बड़ा कांड हो रहा हो और जहाँ पे पब्लिसिटी मिले। तो मैं अभी ये तीसरी बार उनका नाम सुन रही हूँ,
और जब उनको आप लोगों ने लानतें भेज दी, जब आप लोगों ने इतना सब कुछ किया, तो उन्होंने अभी एक बांग्लादेश से जो लड़की आई हुई है उसका केस भी ले लिया है, और उस लड़की को अब सीमा हैदर का उन्होंने वो चेंज करवा दिया, धर्म चेंज करवा दिया, फिर उस लड़की को क्यों बोल रहे हैं कि आप एज ए मुस्लिम ही इस कंट्री में रहेंगी, उसका धर्म चेंज करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? और जब हर जगह जहां पे भी एपी सिंह जी को मैं सुनती हूँ, तो एपी सिंह जी मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, एपी सिंह जी सीमा हैदर आपकी होगी, हमारी नहीं है। आप हर बात में बोलते हैं हमारी सीमा, शी इज नॉट हमारी, वो सिर्फ आपकी हो सकती है, वो हमारी नहीं है, वो हिंदुस्तान की नहीं है, आपकी पर्सनल है, तो आप जो मर्जी बोलिए, हमें नहीं चाहिए। और आप अपने लिए बोले कि मेरी सीमा, हमारी सीमा तो बिल्कुल ना बोली, हमें बिल्कुल ये चीज अच्छी नहीं दिखती है। जी जी। और सिस्टर आगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जिस तरह से हैदर की फुल तैयारी है इंडिया आने की, तो काफी 95% लोग जो है हैदर को सपोर्ट करते हैं इंडिया में, कि जो हॉकी की बात है वो सब करते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो। लेकिन एपी सिंह को हम जितने भी लानते दे रहे हैं, पाकिस्तान से जितने भी न्यूज चैनल है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं, फर्क पड़ेगा। तो जैसे मैंने उनको एक वीडियो में सुना था कि एक यूट्यूबर, आपके ही घर के एक यूट्यूबर ने उनको पूछा कि एक पिता होने के नाते आपको क्या लगता है कि हैदर को अपने बच्चे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। मतलब इतना बेग, मतलब सॉरी मैं मतलब गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, मैं उनकी तरह जाहिल और गवार नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम करती हूँ। मतलब वो एक बाप से बच्चों को जुदा कर सकते हैं, वो कहते हैं कि अगर मेरी वाइफ कहती है कि मैं बच्चों को लेके जाना चाहती हूँ, तो बोला मैं खुशी खुशी में मेरे बच्चों को भेज दूंगा। मतलब किस प्रकार का हृदय रखते हैं वो, किस प्रकार का हृदय रखते हैं अपने उसमें कि मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बोलूंगा कि हाँ तुम खुश रहो और तुम बच्चों को लेके चले जाओ। तो भाई ये काम अगर एपी सिंह जी आप कर सकते हो, तो ये काम हैदर भाई नहीं कर सकते हैं, उनके उनके बच्चे चाहिए। वो निष्ठुर बाप नहीं है, अगर आप निष्ठुर बाप बन सकते हैं तो हैदर भाई नहीं बन सकते हैं। और यहाँ की जो 95% जो जनता है वो भी हैदर भाई के साथ न्याय कर रही है, क्योंकि उनको उनके बच्चे मिलने से मासूम है, उनको अभी जाति धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, देश का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे मैंने सुना है कि सीमा हैदर उनके बच्चों को जबरदस्ती बोलती है कि वहाँ पे खाने पीने की चीजें जो भी कुछ होती है कि कुरकुरे 10 वहाँ पे 20 रुपए का मिलता है, यहाँ पे 5 रुपए का मिलता है, यहाँ सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कब तक उन बच्चों को बेवकूफ बनाएगी औरत अपनी खुशी के लिए, अपनी अपनी उसके सहूलियत के लिए, कब तक उन 4 बच्चों को बेवकूफ बनाएगी? इतनी बेगैरत औरत है। और सिस्टर मुझे ये बताएं, कल मैंने एपी सिंह की एक वीडियो देखी जिसमें एपी सिंह से कोई पूछता है कि एपी सिंह क्या सीमा को वापस कर देना चाहिए, डिपोर्ट होना चाहिए, तो एपी सिंह आगे कहती हैं कि सीमा अगर सचिन से जुदा हुई तो सीमा जो है सीमा की आरती उठेगी। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, वो सचिन से अलग नहीं, वो ये बोलना चाह रहे होंगे कि एपी सिंह से अलग होगी तो सीमा की और दोनों की आरती उठेगी। जी जी, तो उनका बोलने का मतलब, जब भी वो कुछ बोलना चाहें तो आप अपने तरफ से थोड़ा समझ लिया करें कि वो बोलना क्या चाहते हैं। वो सचिन को उनकी तरफ से तो सचिन अब अलग हो गया, आप देखते होंगे हर डिबेट में या हर उसमें एपी सिंह जी ही होते हैं उनके साथ में, सचिन सीमा के साथ में। और सीमा सबसे पहली जो खबर होती है, जो बात होती है, वो हर उसमें डिबेट में होती भी है और हर कैमरामैन के कैमरा पर्सन के सामने भी बोलती है, और जब उसके सामने माइक होता है तब एपी सिंह ही उसको दिखाई देते हैं, अब उसको सचिन नहीं दिखाई देता है। आपने कभी देखा है कि सचिन ने कभी कुछ बोला हो? अगर उसको कमलेश भाटी ने अगर नक्कू और वो बोल भी दिया है तो यही देख के बोला होगा। हम तो उसको अब देख रहे हैं, हम आप लोग तो अब देख रहे हैं जब से वो मीडिया में आया है। तो इस प्रकार का व्यक्ति अगर मूक दर्शक बन के अगर देखे और उसके सामने ही उसकी जो भी है वटवंश की प्रेमिका है, वो जो भी है, अगर वो दूसरे के साथ में है तो उसको कैसे, मतलब वो कैसे सहन कर रहा है? अगर वो सचिन के प्यार में यहाँ पे आई है तो सचिन को आवाज उठानी चाहिए ना एपी सिंह के लिए। जी सर बिल्कुल, हम तो यही देखते आ रहे हैं कि और ये सुनते भी आ रहे हैं कि सीमा जो है 5-5 दिन तक एपी सिंह के फार्म हाउस में जाके रहता है वहाँ पे केस के हवाले से, और वो जो झंगूर है वो घर में पड़ा रहता है। बिल्कुल, ये बात सत्य है, हमने भी सुनी है। और जब वो वहां पे आते हैं एपी सिंह जी, तो तब भी उसको झंगूर को बोलते हैं कि अभी तो ये सामान लिया, वो सामान लिया, जो भी है, व्हाटएवर। तो हमने भी ये सुना है कि ऐसा होता है,
बहुत सारे लोगों ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं क्योंकि मैं इन कामों में हमेशा आगे रहती हूँ, बट इस मसले में मैं इसलिए नहीं पड़ी कि मुझे ये मसला समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हमारे जो पहले वकील थे, जो वकील साहब हमारे पहले थे, उन्होंने छोड़ा, तब से तो मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि वहां जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो बात करने के काबिल भी है, मुझे लगता ही नहीं। क्योंकि उनको इतनी तवज्जो दे रहे हैं, डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ी साजिश है उनकी और बहुत बड़ा आगे कुछ करने वाले होंगे। ये एपी सिंह जी जानते हैं, सीमा जानती है, और जिनके घर में वो सीमा रह रही है वो लोग जानते हैं। और सिस्टर आपसे आखिरी सवाल कि जिस तरह सीमा का पहला वकील जो था, उन्होंने सीमा का भी केस लिया हुआ था, तो उनको पता चला कि ये चोर है, गलत तरीके से इंडिया में दाखिल हुई है, ये बच्चे हैदर के, उन्होंने केस छोड़ दिया, तो एपी सिंह को भी केस छोड़ देना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आप तो एपी सिंह जी को फिर ये तो थप्पड़ मार रहे हो, आप एपी सिंह जी कैसे छोड़ देंगे? एपी सिंह जी ने ही तो शायद पहले वकील को बोला होगा कि आप छोड़ दो भैया, ये मेरा मसला है, मैं शॉर्ट आउट करूंगा। मे बी उन्होंने उनको धमकाया होगा, वो बहुत अच्छे उसके दर्जे के वकील है और ये शातिर दिमाग के हैं, इनको अपनी पब्लिसिटी चाहिए, क्या पता हो सकता है इन्होंने धमकाया हो उनको, जो अभी वो मीडिया में बोल नहीं रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे वो मीडिया में बोल दें, आ भी सकती है बातें। और देखिए, और सिस्टर सीमा को तो सजा जरूर मिलेगा, चाहे इंडियन गवर्नमेंट सजा दे, चाहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट सजा दे, तो आप क्या समझते हैं कि लप्पू के साथ भी और एपी सिंह को भी सजा मिलना चाहिए? मैं साफ बोलती हूँ, जो सचिन के घर वाले हैं सारे के सारे विक्टिम हैं, उन सबको उनके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, एपी सिंह जी को सजा मिलनी चाहिए, और एपी सिंह जी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उसकी भी उनको सजा मिलनी चाहिए। एपी सिंह जी हर चैनल पे आके जो हमारी सीमा और उसको डिपोर्ट करने की बात आती है तो वो उछल पड़ते हैं, और जो एक महिला को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उस पर भी उनको सजा मिलनी चाहिए। सीमा हैदर चाहे वो पाकिस्तान से है चाहे वो हिंदुस्तान से है, पर एक महिला है, एक महिला के लिए उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये जैसे शब्द का प्रयोग किया है, इसको भी समझ के जिस चीज में डालो, इट मीन्स कि उसको अगर आप किसी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहती करने वाली हूँ कि आपको भी बुरा लगेगा, मतलब उनका मतलब यह है कि वो लप्पू के साथ रहे तो लप्पू की, मेरे साथ रहे तो मेरी, मतलब उनका बोलने का एक महिला को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, वो नहीं होना चाहिए था।